नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नज़र से। That boy is delinquent, insane and a sadist and above all anti-Muslim. We do go to her with the complaints. But the problem is her son. He invariably gets the complainants arrested. ये बात उस समय के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता सुभद्रा जोशी ने भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अप्रैल 1976 में कही थी। सुभद्रा जोशी लंबे समय तक सांप्रदायिकता के खिलाफ कैंपेनर थीं। संजय गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी के खिलाफ थी उनकी शिकायत। दिल्ली में जो हो रहा है उससे मैं दुखी हूं। मैं क्या कर सकता हूं? कोई मेरी सुनता नहीं है, राष्ट्रपति ने भरे स्वरों में ये कहा था। हम में से बहुत यही कहेंगे, अब कोई नहीं सुनता, सब दूसरे के प्रति नफरत के नशे में है। उस घटना के एक साल बाद 1977 में जब कांग्रेस चुनाव हार गई तो ऐसा लगा कि भारतीय राजधानी में दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होंगे। हम सब कितने गलत थे। तब भी अप्रैल का महीना था। ये बात 46 वर्ष 46 ईयर्स पहले की बात है, अप्रैल 1976 की। तब भी बुलडोजर्स इस्तेमाल हुए थे और अब भी। उस वक्त थिएटर ऑफ एक्शन तुर्कमान गेट था, इस वक्त जहांगीरपुरी। तब भी जिनके खिलाफ बुलडोजर चलाए गए थे वे अधिकांश मुसलमान थे। उस समय दिल्ली के जमा मस्जिद के पेरिफेरीज में दुकानें डिमोलिश किए गए थे। इस बार जहांगीरपुरी की एक मस्जिद के कुछ पोर्शंस डिमोलिश हुए। दिल्ली में इस लेवल का कम्युनल वायलेंस क्यों हुआ? क्या पहले इतने धूमधाम से मनाई गई थी कभी हनुमान जयंती? मैंने लगभग 3.5 दशकों से उन धार्मिक त्योहारों पर कड़ी निगाह रखी है जिनके कारण सांप्रदायिक हिंसा ट्रिगर हुए हैं। हनुमान जयंती इस सूची में बहुत रेयरली फीचर होती है। हनुमान जयंती के पहले रामनवमी थी। रामनवमी के प्रोवोकेटिव जलूसों से कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। खरगोन में तो आग अभी भी सुलग रही है। इस तरह की घटनाएं हमारे न्यू नॉर्मल्स बन गई हैं और 2014 से अधिक रूटीनली हो रहे हैं। हिंदू त्योहारों के दौरान मस्जिदों और मुसलमान कॉलोनियों के सामने से जुलूस निकलता है। जोर से संगीत बजाना, इसका एक लंबा इतिहास है। सिंगल उद्देश्य है इसके पीछे, कैसे मुसलमान को भड़काया जाए। मुसलमान और उत्तेजित हो गए और रिएक्ट करें, जैसे शायद इस बार जहांगीरपुरी में हुआ, तो मिशन एकम्प्लिश्ड। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा, यही सोच है। हिंदू दक्षिणपंथी बोलते हैं हिंदू धार्मिक जुलूसों के खिलाफ मुसलमान प्रतिक्रिया का एक सदी पुराना परंपरा देखने को मिलता है। 100 साल से ज़्यादा का ट्रेडिशन है, वो मानते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन हिंदू सांप्रदायिक समूहों में से कोई भी ये नहीं स्वीकार करता कि 100 साल से अधिक हिंदू जुलूसों के आयोजकों ने मुस्लिम निवासियों और वर्शिपर्स को जानबूझकर उकसाते आए हैं। उन्होंने शत्रुतापूर्ण प्रोसेशंस निकाले, नारे लगाए, अभद्र भाषा का उपयोग किया और तलवारें हवा में लहराएं। आप में से कोई ही होगा शायद जिसने झारखंड में हिंदू सेक्टेरियन एक्टिविस्ट का रामनवमी के दिन मुस्लिम्स के खिलाफ सेक्सिस्ट अब्यूजिव भाषा इस्तेमाल करते हुए नहीं सुने होंगे। सोशल मीडिया में तो ये वीडियो वायरल हुआ था। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, क्रिया प्रतिक्रिया की चेन चल रही है, हम चाहते हैं ना क्रिया हो और ना प्रतिक्रिया। विडंबना है, उनके सपोर्टर्स अब सिर्फ प्रतिक्रिया को हाईलाइट करते हैं। जो पहला प्रोवोकेटिव क्रिया होता है उसको इग्नोर करते हैं, जिससे वो प्रोवोक करते हैं वो नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। धार्मिक जुलूसों में प्रोवोकेशंस और उस पर काउंटर रिएक्शन की चेन तो 130 साल से चल रही है। 1890s के दशक में, 1890 के दशक में गणेश उत्सव पब्लिकली मनाया जाने लगा। सबसे पहले वर्ष 1893 में गणेश उत्सव और मुहर्रम एक ही दिन कोइंसाइड किए थे। एथनो म्यूजिकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के स्कॉलर जूलियल निंच ने कई वर्ष पहले अपना एक पेपर लिखा था। उन्होंने उस पर पीएचडी भी की। उसमें लिखा, द टाइमिंग ऑफ द फर्स्ट गणपति सेलिब्रेशन इन 1893 was also taken as a direct offense to Muslims as it directly coincided with the observance of the Muslim festival of Muharram. In the past, many Hindus participated in Muharram celebrations, but Tilak called upon Hindus to boycott the festival that year, offering Ganpati as a new and divisive alternative. The festival was therefore also an attack on syncretic religious practices that previously had flourished in India. Tilak also initiated a festival in honor of the 17th century Maratha historical figure Shivaji, whose celebrated status derived from his ability to repeal the Mughals from the Maratha domain. Because of this, a public celebration of Shivaji held a dual purpose and effect. On one hand, it highlighted a case of indigenous triumph over foreign invasion, thereby paralleling the hopes of opponents to British colonialism. On the other hand, Tilak and many festival celebrants presented Muslims, exemplified by Mughals, as foreign invaders themselves. In doing so, they increased hostility towards Muslims in Maharashtra. हिंदू कौन है और क्या है, इस आइडिया को तिलक ने रिकॉन्सेप्चुअलाइज किया। वहीं से शुरुआत होती है। हिंदू एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके शेयर्ड रिलीजियस वैल्यूज या बिलीफ्स थे। इसके बाद से वे एक पॉलिटिकल बॉडी बन जाते हैं जिनका मुस्लिम्स के खिलाफ हॉस्टिलिटीज एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट बन जाता है। महाराष्ट्र के इस सोशल बैकग्राउंड में आरएसएस का गठन हुआ था 1925 या 1925 में। आरएसएस के गठन के पहले नागपुर में कम्युनल हॉस्टिलिटीज का एक लंबा दौर देखने को मिलता है। अभी दिल्ली और अन्य राज्यों में जो चल रहा है उसके बहुत सारे स्ट्रेंज सिमिलैरिटीज़ हैं नागपुर के घटनाओं के 1920s में जो इंसिडेंट्स वहाँ हुए थे। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस में होते थे एक ज़माने में, लेकिन अर्ली 1920 से गांधी और बाकी राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के साथ उनके मतभेद बढ़ने लगे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी ने खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना दिया था और क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक मास मूवमेंट में तब्दील करने की प्रोसेस की शुरुआत कर दी थी। हेडगेवार जेल में थे। उनके राजनीतिक गुरु B.S. मुंजे ने केरल में मोपला रीजन में हुए हिंसा को इन्वेस्टिगेट किया। उनकी रिपोर्ट बहुत ही इन्फ्लेमेटरी थी। मुंजे ने कहा, हिंसा हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन के कारण हुई। उनके अनुसार मुगल शासन के बाद ये घटनाएं हिंदुओं पर सबसे बड़ा मुस्लिम हमला था। 1922 में हेडगेवार को जेल से रिहा कर दिया गया। रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, मुस्लिम्स बहुत संगठित हैं। इसको काउंटर करने के लिए हिंदुओं को भी मुसलमानों की तरह संगठित होना पड़ेगा। हेडगेवार ने अपने अभियान की शुरुआत क्रिश्चियन मिशनरी होम्स में शरण लिए हुए अनाथों के रिकन्वर्शन से किया, लेकिन उन्हें असली सफलता 1923 में मिली, जब उन्होंने नागपुर में वहां के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गल्फ को बहुत वाइडन कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ एक अभियान छेड़ा। मांग स्पष्ट थी, हिंदू अब 1914 या 1914 के दंगों के बाद की जो शांति समझौता या फिर जो पीस एग्रीमेंट था उसका पालन नहीं करेंगे। एग्रीमेंट क्या था? मस्जिदों और मुसलमानों के इलाकों के सामने सड़क पर उसको पार करते समय हिंदू प्रोसेशंस में संगीत नहीं बजाए जाएंगे। जुलूस के दौरान संगीत का इस्तेमाल केशव बलिराम हेडगेवार के हिसाब से हिंदू स्ट्रेंथ का प्रतीक था। हेडगेवार ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया, संगीत इस्लाम का उतना अभिन्न अंग नहीं है जितना कि हिंदू धर्म में। ऐसे भी जब प्रोसेशन में संगीत निकाला जाता है तो जिस भजन से हम लोगों के जो स्पिरिचुअल एक सेंस राइज होती है वो कहाँ उसमें आते हैं, वो जुलूसों में कहाँ सुनने को मिलता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जुलूसों के दौरान संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। हेडगेवार ने विरोध में हिंदू आयोजकों को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए मना लिया। बस एक मूड बन गया, गणेश की मूर्तियों को प्रथा के अनुसार विसर्जित नहीं करने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया। अंत में जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो झुक गए। जब विसर्जन के लिए मूर्तियों के साथ जुलूस निकाले गए तो मस्जिदों और मुस्लिम कॉलोनीज को पार करते समय बहुत लाउडली संगीत बजाया गया। इस विरोध को डिंडी सत्याग्रह कहा जाता है। एकेडमिक जॉन जावोस के अनुसार मुंजे ने सत्याग्रह को कोरियोग्राफ किया था और हेडगेवार इस आंदोलन के स्टॉर्म ट्रूपर थे। डिंडी सत्याग्रह के दौरान हेडगेवार अक्सर खुद मस्जिदों के बाहर व्यक्तिगत रूप से ढोल बजाते थे, क्योंकि जो म्यूजिशियन थे शायद घबरा जाते थे। मस्जिदों के सामने संगीत बजाने की सफलता के परिणाम स्वरूप 2 साल के अंदर आरएसएस का गठन हो गया। शुरुआत से ही हेडगेवार ने आरएसएस के स्वयंसेवकों को तलवार, भाला, खंजर ये सब के इस्तेमाल के लिए एक ट्रेनिंग प्रणाली बनाई। आज़ादी के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके एफिलिएट्स, जनसंघ 1951-52 से और 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए धार्मिक जुलूसों का इस्तेमाल करते रहे। 1980 के दशक में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन शुरू होने के बाद रामनवमी के अवसर पर नियमित रूप से जुलूस निकाले गए और मुस्लिम इलाकों में जाकर प्रोवोक करते रहे और हड़प होते रहे। ठीक वैसे ही जैसे कि अब हो रहा है। मैं इस पर घंटों बात कर सकता हूं, सूचीबद्ध उदाहरण दे सकता हूं। 100 वर्ष से ज्यादा इस वायलेंट परंपरा में एक नया ट्विस्ट 2014 के बाद आया। स्टेट पावर जो संघ परिवार के हाथ में आ गई थी, अब इन्हें किसी भी चीज का लिहाज नहीं है। इनके लंबे सफर में खारगोन और जहांगीरपुरी महज नए माइलस्टोन्स हैं। नमस्कार।